हेलो, वेलकम टू ऑल। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार को हम छह भागों में बांटते हैं स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र या पूर्वी पठार, तीसरा भाग है मेघालय का पठार या उत्तरी पूर्वी पठार, चौथा दक्कन का पठार, पाँचवा पश्चिमी घाट तथा छठा पूर्वी घाट क्षेत्र। तो इसमें जो केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा है इसके पश्चिमी भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला, उत्तरी भाग में बुंदेलखंड पठार तथा उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में या विंध्य कगार भूमि तथा दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में नर्मदा और तथा सोन नदी की ब्रज घाटियाँ स्थित हैं। सोन नदी की ब्रज घाटी के पूर्वी जो भाग है वो है पूर्वी उच्च भूमि पठार क्षेत्र। आज हम इसी पूर्वी उच्च भूमि पठार क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी अवस्थिति या फिर इसका विस्तार क्या है। पूर्वी पठार को देखें तो ये उत्तर पश्चिम में सोन नदी की ब्रज घाटी द्वारा, उत्तर तथा पूर्वी भाग में गंगा के मैदानों द्वारा, दक्षिण में ये पूर्वी घाट तथा दक्षिण पश्चिम में ये जो दक्कन का पठार है उसकी जो सतपुड़ा रेंज है जो कि यहाँ स्थित है बाद में पढ़ेंगे, इसकी एक पर्वत श्रृंखला है मेकाल, उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है। इसको हम आगे फर्दर कई भागों में सब डिवाइड करते हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अगर इसका विस्तार देखें तो ये राज्य के हिसाब से देखें तो ये आपका झारखंड राज्य है, यहाँ पश्चिम बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है, ये उड़ीसा का पूर्वी भाग है और ये छत्तीसगढ़ राज्य है। तो भौगोलिक दृष्टि से इसका विस्तार इन राज्यों में। अभी हम देखते हैं इसका उपविभाजन। तो पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र एक समान विशेषता वाली नहीं, इसमें स्थलाकृतिक दृष्टि से देखें तो बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। सबसे पहले जो केंद्रीय उच्च भूमि का सीमावर्ती क्षेत्र है वो कहलाता है बघेलखंड का पठार। फिर इसका पूर्वी भाग जो है वो है छोटा नागपुर प्लेटू। फिर छोटा नागपुर पठार और दक्षिण में महानदी के बीच का क्षेत्र है वो है उड़ीसा हिल्स या उड़ीसा उच्च भूमि क्षेत्र। और उड़ीसा उच्च भूमि क्षेत्र के पश्चिम का भाग दंडकारण्य और बघेलखंड पठार और दंडकारण्य के बीच का क्षेत्र छत्तीसगढ़ मैदान। तो पूर्वी पठार या पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र के ये जो एक दो तीन चार पाँच जो छः सब डिवीज़न है या पाँच सब डिवीज़न है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बघेलखंड पठार। बघेलखंड पठार क्षेत्र की सबसे पहले देखते हैं इसकी संरचना। संरचना से पहले देखते हैं इसका विस्तार। तो इसका विस्तार देखें तो इसके उत्तरी भाग और इसके पूर्वी भाग में पठारी भूमि स्थित है, जबकि इसके दक्षिणी भाग में एक लो बेसिन प्लेन एरिया है या मैदानी भाग है। तो अब इसकी देखते हैं संरचना। तो हमने जाना कि यह केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र का जो ये विंध्य कगार भूमि क्षेत्र है या कैमूर पर्वत श्रृंखला क्षेत्र है, यहाँ विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। इन्हीं विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार पूर्व की ओर जो बघेलखंड का इलाका है उसमें भी इसका विस्तार पाया जाता है, जबकि बघेलखंड का जो पूर्वी भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। अर्थात बघेलखंड के जो पश्चिमी भाग है उसमें अवसादी चट्टानें मिलती हैं, जबकि उसके पूर्वी भाग में जो ग्रेनाइट आर्किन ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं। तो एक प्रकार से देखें तो ये जो विंध्य कगार भूमि क्षेत्र और छोटा नागपुर पठार के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र है। और बघेलखंड पठार का स्थलाकृतिक दृष्टि से महत्व देखें तो ये एक प्रमुख जल विभाजक का काम करता है। जैसे ये बघेलखंड पठार से उत्तर में सोन नदी तंत्र, सोन नदी इसके पश्चिम जाती है, यहाँ से जाने वाली नदी सोन नदी में गिरती है तथा इसके दक्षिण का जो भाग है वो यहाँ महानदी की
सहायक नदियों द्वारा बनाया गया मैदानी भाग है। तो इस प्रकार बघेलखंड एक प्रमुख जल विभाजक का कार्य करता है। अब देखते हैं दूसरा, छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर प्लेटू को देखें तो ये स्थलाकृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से भारत की बहुत प्रमुख स्थलाकृतिक इकाई है। ये बघेलखंड पठार के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर तथा पूर्व में गंगा का मैदान, दक्षिण में उड़ीसा हिल्स तथा पश्चिम में बघेलखंड पठार स्थित है। छोटा नागपुर पठार का अगर विस्तार देखें तो इसका विस्तार झारखंड राज्य तथा पश्चिम बंगाल का जो सुदूर पश्चिमी भाग में जो पुरुलिया जिला क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ का उत्तरी पूर्वी भाग छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं। छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई लगभग 600-700 मीटर है। इसकी अगर संरचना देखें तो ये एक विशेष क्रम की चट्टानों से बना है। अधिकतर भाग इसका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने का निर्माण कार्बोनिफरस युग में हुआ था और इसका जो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बीच बीच में जो आर्कियन ग्रेनाइट चट्टाने या ग्रेनाइट और नाइस चट्टाने वो कहीं कहीं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बीच में मिलती हैं। अब इसका अपवाह प्रणाली देखें तो छोटा नागपुर पठार की एक रेडियल ड्रेनेज फ्लो है। रेडियल ड्रेनेज फ्लो वो होता है जिसमें किसी उच्च भूमि से चारों ओर विभिन्न प्रकार की स्ट्रीम्स और नदियां निकलती हैं। तो छोटा नागपुर पठार से बस यहाँ पूर्व की ओर दामोदर, यहाँ स्वर्णरेखा, यहाँ कुछ महानदी की सहायक नदियाँ, यहाँ उत्तरी कोयल, तो इस प्रकार इस पठारी भाग से जो चारों ओर विभिन्न नदियाँ या स्ट्रीम्स निकलती हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो स्थलाकृतिक विशेषताएँ उनके बारे में। तो छोटा नागपुर पठार स्वयं एक पठार ने होकर वो विभिन्न जो फ्लैट लैंड या जो पठार हैं उनका एक समूह है। तो इनकी विभिन्न विभिन्न ऊंचाई पाई जाती है। पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है जबकि पूर्व में इसकी ऊंचाई निरंतर कम होती जाती है। इसकी जो सबसे विशेष स्थलाकृतिक विशेषता है वो इसकी पार्ट्स हैं, इसलिए इनको जो मध्य पश्चिम का भाग है पठार का उसको पार्ट लैंड भी कहते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं? एक प्रकार का मेसा स्थलाकृति। मेसा स्थलाकृति होती है जब कोई चट्टान में एकांतर क्रम में कठोर और मुलायम चट्टानें पाई जाती हैं। ये कठोर और ये सॉफ्ट या मुलायम चट्टानें। तो विशेषक अपरदन या डिफरेंशियल इरोजन के कारण जो कोमल चट्टानें उनका अपरदन हो जाता है जबकि जो कठोर चट्टानें वो एक टेबल टॉप लैंड की तरह दिखाई भी प्रतीत होती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्ट्स कहते हैं। यह अपरदन के कारण ये लेटराइटिक जो प्लेटू क्षेत्र हैं ऊंचाई वाले जो लेटराइट पठार होते हैं अत्यधिक जो अपरदन के कारण यहाँ लेटराइट का निर्माण हुआ है इन पठारों पे। जो आगे जब मृदाओं के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो ये ऊंचाई वाले जो लेटराइटिक पठार हैं इनको पार्ट्स कहते हैं और इन्हीं के आधार पर इस भूमि को पार्टलैंड कहते हैं। जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार को एकदम दो भागों में बांटती है बीच से। इसका उत्तरी भाग कहलाता है हजारीबाग का पठार तथा इसका दक्षिणी भाग कहलाता है रांची का पठार। और छोटा नागपुर पठार का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है यहाँ मिलती है राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पार्श्वनाथ चोटी है जो कि उत्तरी ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग उसकी ऊंचाई 1100 मीटर के लगभग है। ये राजमहल हिल्स का जो क्षेत्र है वो जियोलॉजिकली और फिजियोग्राफिकली देखें तो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र से थोड़ा भिन्न है। इनका जो राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण बेसाल्टिक लावा फ्लो से हुआ है। अब आते हैं हमारे जो तीसरा फिजियोग्राफिक सब डिविज़न है उस पर। तीसरा है उड़ीसा हिल्स। उड़ीसा हिल्स क्षेत्र, अच्छा इससे पहले छोटा नागपुर पठार के आर्थिक महत्व के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं इसमें प्रचुर मात्रा में जो कोयले का निक्षेप मिलता है। यहाँ जैसे रानीगंज, झरिया, बोकारो, ये जो देश की सबसे बड़ी कोयला खाने हैं वो छोटा नागपुर पठार में मिलती हैं।
इसके अलावा धारवाड़ और कड़प्पा क्रम की चट्टानें भी इसमें मिलती हैं, ज्वारकिन चट्टानें, तो जो कि खनिज प्रधान है। तो लो एस्क, मैगनीज, इन खनिजों की दृष्टि से ये बहुत ही संपन्न क्षेत्र है। अब देखते हैं उड़ीसा हिल्स के बारे में। उड़ीसा हिल्स एक तरीके से पठारी भाग है, जो अत्यधिक अपरदन के कारण उसमें जो पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। इन पहाड़ियों को गडजात हिल्स भी बोलते हैं। इन पहाड़ियों को, उड़ीसा हिल्स को गडजात की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में महानदी एक प्रमुख स्थलाकृतिक विभाजक का काम करती है। ये भारत का पूर्वी तट है, ये उड़ीसा है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा पे नदी बहती है स्वर्णरेखा नदी, जो कि उड़ीसा हिल्स का जो पूर्वी सीमा बनाती है, और यहाँ बीच से एक नदी बहती है महानदी। जो महानदी इसके उत्तर में है छोटा नागपुर प्लेटो, तो ये जो भाग है ये कहलाता है उड़ीसा हिल्स। और महानदी के पश्चिम की जो पहाड़ी क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है? पूर्वी घाट के अंतर्गत। तो ये यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि महानदी क्षेत्र का जो महानदी बेसिन के जो पूर्वी भाग है, जो उड़ीसा की जो पहाड़ी क्षेत्र है, वो पूर्वी उच्च भूमि का क्षेत्र है, जबकि महानदी से जो पश्चिमी क्षेत्र है वो पूर्वी घाट का क्षेत्र है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है मलयगिरी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1300 मीटर है। अगर इनकी संरचना की बात करें तो उड़ीसा हिल्स का निर्माण भी आर्कियन चट्टानों से हुआ है, और यहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी मिलती हैं। जैसे छोटा नागपुर भूटान में मुख्यतः गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलती हैं, और उसके साथ ही आर्कियन क्रम की, धारवाड़ कड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं। वहीं जो उड़ीसा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ मुख्य रूप से आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर गोंडवाना क्रम की भी चट्टानें मिलती हैं, जिससे इस क्षेत्र में कोयला के भंडार पाए जाते हैं। जैसे कि एक प्रमुख भंडार है तालचेर क्षेत्र, जो भारत का सबसे बड़ा कोयला जमाव क्षेत्र भी है, वो उड़ीसा में मिलता है। अब इसके अपवाह की बात करें तो इसमें जो बहने वाली प्रमुख नदियाँ ब्राह्मणी और वैतरणी नदी है, और इसकी जो पूर्वी सीमा बनाती है स्वर्णरेखा, और पश्चिमी सीमा बनाती है महानदी। अब आगे बढ़ते हैं चौथे फिजियोग्राफिक सब डिवीजन पे। चौथा क्षेत्र है ये, जिसको हम जानते हैं दंडकारण्य पठार के नाम से। दंडकारण्य क्षेत्र अत्यंत ही कटाफटा और असमतल पठारी भाग क्षेत्र है। इसमें बहुत अंडुलेटिंग टॉपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ है, तो इसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ और घाटियों का निर्माण हुआ है। तो इसमें दो प्रकार के मिलते हैं, जो स्थलाकृतिक क्षेत्र हैं, एक तो यहाँ पर्वत श्रेणी, दूसरा बेसिन। तो यहाँ पर्वत श्रेणियों में देखें तो सबसे प्रमुख पर्वत श्रेणी है बेलाडीला। यहाँ हेमेटाइट, जो कि लोहे की सबसे उन्नत किस्म है, तो भारत का सबसे उच्च कोटि का कोयला कहाँ मिलता है? बेलाडीला हिल्स में। और फिर बेसिन देखें तो दंडकारण्य क्षेत्र के बीचों बीच से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है, इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी इसको दो भागों में बांटती है, दंडकारण्य क्षेत्र को। और अगर इसकी सीमाओं को देखें तो उत्तर में महानदी बेसिन, पूर्व में उड़ीसा हिल्स, दक्षिण पूर्व में पूर्वी घाट, तथा पश्चिम में यहाँ महाराष्ट्र पठार या दक्कन पठार का क्षेत्र है। ये दंडकारण्य क्षेत्र। अगर संरचना को देखें तो दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः धारवाड़ और कड़प्पा क्रम की जो आर्कियन चट्टान है उनसे बना है, इसलिए यह खनिज की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है। जैसा कि ये बता चुके हैं, बेलाडीला क्षेत्र में भारत का सबसे उत्तम कोटि का कोयला मिलता है। अब जो हमारा लास्ट या पांचवा फिजियोग्राफिक सब डिवीजन है, छत्तीसगढ़ बेसिन या महानदी बेसिन। तो ये कड़प्पा क्रम की जो चूना पत्थर की चट्टानों से बना है, और ये एक बेसिन भाग है जो महानदी उसकी सहायक नदियों द्वारा अपरदन से निर्मित है। ये बघेलखंड क्षेत्र उत्तर में, यहाँ पूर्व में उड़ीसा हिल्स, दक्षिण में दंडकारण्य क्षेत्र, और यहाँ पश्चिम में सतपुड़ा की एक रेंज है मेकाल, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। इन चारों ओर से घिरा हुआ एक बेसिन क्षेत्र है। अगर पूरे जो पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र में देखें तो सबसे बड़ा मैदानी भाग कौन सा है? छत्तीसगढ़ बेसिन।
और ये अपने चावल के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कवर किया आपका पूर्वी उच्च भूमि या पूर्वी पठार क्षेत्र। तो पूर्वी पठार क्षेत्र के जो सब डिवीज़न थे उनके बारे में हमने जाना। जो पहला सब डिवीज़न इसका था वो था बघेलखंड का पठार, दूसरा छोटा नागपुर का पठार, तीसरा उड़ीसा हिल्स, चौथा दंडकारण्य और पाँचवा छत्तीसगढ़ का मैदान। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे दक्कन का पठार और उत्तरी पूर्वी पठार के बारे में। धन्यवाद।